तो निहारिका की नई फरमाइश आ गई है, क्या आ गई है बताओ जरा। यू आर कम फ्रॉम लेबनान? तो भाई क्या तैयारी चल रही है? खाने नाश्ता बनाने की। क्या नाश्ता? तो निहारिका देखो अपना मोबाइल और ये कैमरा में लेके बैठी हुई है, यहाँ शायद सांभर बन चुका है भाई। ये इधर कहीं उसने इडली का बैटर बना के रखा हुआ है, तो इधर ही पानी उबाल लिया इडली बनाने के लिए। पापा लगे हुए अपने कामों में, पापा ने क्या कर दिया कि पूरा सबको सब्जी वब्जी जो हम कल शाम खरीद के लेके आए थे पापा, उसको सबको वो करने में लगे हैं। पापा ने मटर भी छील लिए साथ साथ में, कह रहे हैं मेरे पास कुछ काम नहीं तो मैं यही काम करूँगा। जो तत्काल फल देने वाला है उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा, सुनी समझी जन मुदित मनो, मन मंजही अनुराग, ललही चारी फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो मम्मी पढ़ लिया यहाँ पर रामचरित मानस जो हम लेके आए चित्रकूट में, हम जो विजिट किए थे। मैम आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम कैसा है। तो ऐसा है कुछ आज का मौसम, सुबह के अभी बजे हैं करीब 10, नीचे हमारी गाड़ी पार्किंग पे लगी हुई है। इधर फील्ड पे पूरे खेतों पे आलू और सरसों बोई गई, कहीं पे गेहूं बोए हुए हैं और दो तीन दिन से है ठंडा बहुत ज़्यादा। एक हमारे पास फूल है, ये फूल 15 दिन से खिल नहीं रहा है, इसका नाम भी मेरे को नहीं पता है। तो ये फूल 15 दिन से खिलने की कोशिश कर रहा है, अभी तक ये खिला नहीं है पूरा, क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा ऐसा लग रहा है, जिन खिलेगा तो उस दिन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मम्मी पढ़ी थी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की खासियत है, इसमें एक प्रश्नावली होती है, आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप श्री रामचंद्र जी का ध्यान रखो और उस पर ये ऐसे करके स्टिक रख दो, उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आँख बंद करके, मैंने आँख बंद की है और यूँ करके ये स्टिक मैंने लगा दी, ठीक। तो यहाँ पर जो अक्षर आया है ये आग की मात्रा है, आग की मात्रा है ना मम्मी? हाँ आग की मात्रा है। तो यहाँ से अब हमने यहाँ पहले इसे इस कागज़ में लिखना है आग की मात्रा, यूँ आग की मात्रा लिख दी, फिर यहाँ से 9 अक्षर फिर हमने गिनने हैं। मात्रा लिख रहा है, आग क्यों लिख रहा है? अब यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अक्षर में यहाँ पर री है, तो यहाँ पर हमने री लिख दिया, ठीक। फिर उसके बाद 9 अक्षर फिर से गिनना है, री के बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पू, फिर उसके बाद हमने फिर पू के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही। तो ऐसे हमने 9 अक्षर करके हम लोग पढ़ते रहे। तो देखिए जो हमारा ये है ना रिपुन, ये पहले ओ की जो माता होगी रिपुन ही मन कामना तुम्हारी, तो ये हमारा पहला वाला दोहा था, सुन सी सत्य असीस हमारी, ये मलय मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ मारी से ना, पूज ही मन कामना तुम्हारी ऐसे करके मिला हुआ। तो यह चौपाई बाल कांड में श्री सीता जी के गौरव पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्रीमती सीता जी को आशीर्वाद दिया है, प्रश्नकर्ता प्रश्न उत्तम है कार्य सिद्ध होगा। तो मेरा जो प्रश्न मैंने मन में लिया था तो उसमें लिखा हुआ है कार्य सिद्ध होगा। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं अपने प्रश्न के लिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे मतलब प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, देखिए उन सबका मतलब उत्तर आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। जब तक हम लोग कर रहे थे प्रश्न रामचरितमानस तब तक निहारिका बना रही थी इडली और सांभर, ये आ गया नाश्ता हमारा। कैसा रहा पापा टेस्ट? बहुत बढ़िया। कैसा मम्मी टेस्ट कैसा रहा है? गजब का हो रहा है। मैंने चखा नहीं, अभी चखा नहीं है मम्मी ने। तो ये है, अब मैं चख के देखता हूँ कैसा है। वाकई टेस्ट ना
सांभर का टेस्ट तो बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त मतलब इतना जबरदस्त निहारिका ने सांभर बनाया हुआ है। तो रेसिपी देखने के लिए आप आपकी रसोई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे वीडियो के ही, तो वहाँ से क्लिक करना क्योंकि आपकी रसोई नाम से बहुत सारे चैनल हैं, मैंने बाद में सर्च किया तो आपकी रसोई क्योंकि मैं मेरे लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे आप ढूंढ लेना निहारिका के चैनल रेसिपी, वहाँ पर आप ढूंढ लेना। जो इडली सांभर इसने बनाया है ना बहुत जबरदस्त बनाया, जो रसियार हो रहा है उसे लास्ट तक आता, देखो हम लोग खा के निपट गए। लेकिन निहारिका तुम खुद ही बताओ कि कैसे हो रही है, हम लोगों ने तारीफ कर दी तुम्हारी है। सांभर वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा, सांभर वैसे काफ़ी अच्छा हो रहा है और इडली हो रही है काफ़ी सॉफ्ट। तो मैं काफ़ी ठंडा, मैं लगा था टीवी देखने के लिए, मैंने कहा कि कोई पिक्चर अच्छा देख लेता हूँ, मम्मी साथ में बैठी हुई है तो मम्मी को अब सिखा रहा हूँ कि लैपटॉप में मम्मी अपने वीडियो कैसे मतलब अपलोड कर सकती है। मम्मी एक्चुअली क्या करती है, अपने वीडियो सिंपल बनाती है, मम्मी को कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, सीधे बोले कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे, ऐसे बोल के और सीधे वह और बिल्कुल एंड भी वहीं पर ख़त्म कर देगी, तुरंत हाथ से दबा देगी अपनी सेल्फी स्टिक, तो मम्मी का वीडियो तुरंत बनेगा। बीच में कहीं मतलब मम्मी का कोई ऐसा नहीं कि कहीं कुछ वो एडिट करना है, सीधे वीडियो बनाती है सीधे अपलोड कर देती है उसको, और कुछ नहीं मतलब है कि क्या टैग डालने हैं क्या डिस्क्रिप्शन डालना है, वह अपना जो गाना जो मम्मी गाती है वो डाल दिया उस पर। तो मम्मी को आज सिखा रहा हूँ मैं लैपटॉप पे, खाली मम्मी को है थंबनेल बनाना सिखाया हुआ है पिक्सल लैब पे, थंबनेल बनाना है मम्मी थंबनेल बना लेती है, थंबनेल बनाने के साथ साथ अपनी ये फोटोज में लगा देती है और वीडियो पूरा अपलोड कर देती है और उसका शीर्षक लिख देती है, बस हो गया, और उस शीर्षक में वो शीर्षक को कॉपी पेस्ट करके दे देती है डिस्क्रिप्शन में। तो मम्मी को अब मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब अपना वीडियो इस लैपटॉप के जरिए मतलब मम्मी को अपना अपलोड करना है। मम्मी का अपना पर्सनल लैपटॉप है जिसमें वो किताब लिखती है, लेकिन यह है कि अभी ये वो लग के आई है घर में गाँव में, तो अभी मैं सिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे मतलब वीडियो अपलोड करना है मम्मी को। तो मम्मी को सिखाता हूँ पहले, फिर तो उसका देखते हैं कि आगे और क्या क्या है दिनचर्या में बचा हुआ। तो देखिए निहारिका के सारे वीडियो यहाँ पड़े हुए हैं, इसने अपना एक फोल्डर भी नहीं बनाया हुआ, सारे वीडियो ऐसे डालेगी और ऐसे अपलोड कर देगी। देखिए पहले में ना मैं हुआ करता था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, तो सर आप ये देखिए ये मैंने ग्रिगेट की फ़ोटो खींची थी, कितनी अच्छी लगी ये फोटो खींची थी, कलर बहुत अच्छे आए थे ग्रिगेट के। तो मैं पहले पेज ही बनाया था फेसबुक पे आदि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो मेरा सब कुछ मैंने कर दिया मतलब छोड़, घूमने की आदत थी तो घूमने घूमते मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से बन गया ब्लॉगर। तो ऐसी कुछ फ़ोटो इसमें बहुत सारी हैं मेरे लैपटॉप में, कभी मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था बहुत साल पहले, जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना 2 साल पहले, तो एक वीडियो ऐसे बनाया था उत्तराखंड के खूबसूरत पक्षी करके, तो उसमें अपनी खींची हुई फोटो डाली हुई थी, मतलब वो फोटो वाला वीडियो था मेरा, तो आप देख सकते हैं वैसे, लेकिन कभी मैं आपको कभी लेके जाऊँगा तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। बताओ बताओ, कुछ नहीं आया, मम्मी को पूरा सिखाया, अब मम्मी क्या करने लगी है निहारिका का रेसिपी देखने लगी है गटरी की सब्जी वाली, मम्मी का ये काम है। और यहाँ देखो यहाँ बर्तन कपड़े धुल के आई और क्या गले में आँख में क्या डाल, सर्फ डाल दिया है, सर्फ आँख में डाल दिया है, तो अब गुलाब जल डाल लिए, ये स्थिति है। पापा वहाँ मशगूल हैं, बोलते थे कि जो ये नए वाले फ़ोन है बेकार है ऐसा है वैसा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि मम्मी के लिए, मम्मी यूट्यूबर थी तो मम्मी के नया मोबाइल खरीदा, और मम्मी का जो पुराना मोबाइल था उसमें पापा के लिए एक सिम डाल के पापा को दे दी, और पापा की एक फेसबुक में आईडी नहीं, एक पापा को आपको दिया व्हाट्सअप। तो पापा अब दिन भर वो मोबाइल जाने और पापा जाने वाला उनका कमरा जाने, दिन में वहाँ बैठे रहते हैं, वरना पहले पापा पहले से कहते थे ना टीवी में टेस्ट मैच भी आता था ना इंग्लैंड और मतलब साउथ अफ्रीका भी खेल लियो, तो पापा वही वाला मैच लगा लेंगे, मतलब क्रिकेट के तो दिवाने थे, कोई भी मतलब खेल रहा हो चाहे वो क्या बोलते हैं हाईलाइट ही क्यों ना आ रही हो, पापा टीवी पे बुला लेंगे या आज तक ला के बैठे रहेंगे या एन डी टीवी ला देंगे या कोई सा भी न्यूज़ चैनल ला देंगे, और पिक्चर चाहे कुछ देंगे या मैच देखेंगे या न्यूज़ देखेंगे, ठीक है। जब से मतलब मोबाइल पापा को दिया है पिछले 1 साल से, और अभी क्या है कि यहाँ है मेरे पास वाईफाई, और यहाँ पर वाईफाई क्या है गाँव में वाईफाई हमारे पास मतलब वहाँ अवेलेबल नहीं है होता है, तो यहाँ वाईफाई है लखनऊ में, तो लखनऊ में वाईफाई उनकी क्या स्पीड मिल रही है दबा के। अब पापा दिन भर अपना मतलब लगे रहते हैं वहाँ बैठ के, वो पापा जाने पापा का मोबाइल जाने क्या होता है अपना दिन भर वहाँ बिल्लू और उसकी कॉमेडी देखते रहते हैं यूट्यूब में, कभी कुछ देखते कभी कुछ देखते हैं, ये है। और पहले पापा कथा भी सुनते थे, बोले कि बेकार मेरे को मोबाइल ये पापा की असर थे, अभी पापा को दिखाता हूँ ठीक है क्या कर रहे हैं देखते हैं। देखो पापा लगे हैं मोबाइल में अपने, ये
ये पापा देखो यहाँ अपना देखते रहते हैं मोबाइल में, क्या देख रहे हो? बस आज क्या कथा नहीं सुनने हो कह रही मम्मी, कथा नहीं सुनने हो बोल कह रही मम्मी। हाँ ये कथा कहा है तो बिल्लू की कॉमेडी देखे थे कल आप? अच्छा ये देखिए दिन के अभी बजे हैं 2:15 हुए हैं और अभी ये धूप निकली हुई है, इस कोहरे को चीर के अभी ये देखो बादल आसमान से बीच में सूर्य भगवान निकले हुए हैं, अभी ये पूरा ग्रीन फील्ड देखिए आप कितना मस्त लग रहा है वो। अब रोड पे अभी तक सुबह तक गाड़ियाँ कब चली थी, अब ज़्यादा तेज चलने लग गई हैं, ये ऐसा है कुछ नज़ारा। फिलहाल हमारा हुआ है टाइम लंच का, तो करते हैं लंच। तो क्या क्या समझ में आ गया अभी तक? आ जाता है फिर मैं समझ जाती हूँ सपनों को ना। हाँ तो मम्मी फिर से अपनी कोई किताब का कोई गाना लिखते हुए यहाँ पे, अभी मैंने ऐसे मंगल पॉल डाउनलोड किया है तो मम्मी के अपना अपना कुछ एक चौथी थोड़ा बहुत एक पहाड़ी में एक किताब लिखने की सोच रही हूँ। हाँ तो मम्मी वो लिख रही है तो है नहीं ना। हाँ उसमें जैसे बच्चों के गाने हैं, स्कूल के गाने हैं, और जैसे हमारे पहाड़ी भजन हैं तो पहाड़ी होली है, पहाड़ी कीर्तन है। हम तो थोड़ा एक किताब और बनाना चाह रही हूँ मैं। अच्छा देखो ईश्वर की कृपा हुई तो हो जाएगी ये भी पूरी। हाँ बुआरी कहाँ है? देखो बुआरी देखो शोर की है तनातन करके। हाँ हेलो होगी नीर पूरी? हाँ हाँ ये जब भी अगर से बोलूँ ना मैं कि क्या दिक्कत है तो बोलती है आंखें दर्द हो रही इसलिए लेटे हैं, नींद थोड़ी आई है हम लोग को। तो हाँ अभी तक सर पे ज़्यादा था आँखों में सुबह, तो तब से आंखें पकड़ के बैठी हुई है। चले करते हैं लंच फिर मिलते हैं। तो लंच के बाद सोए थे कुछ देर, अभी जाके उठे हैं तो मम्मी लेके आई है ये फ्रूट, थोड़ा पपीता थोड़ा सेब। तो निहारिका और मैं थोड़े जा रहे हैं बाहर, करते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह, कुछ देखते हैं निहारिका कुछ पसंद आए तो दे दिए। निहारिका का सामान तो मिंत्रा से आने लग गया है, अभी जब ब्लॉक हम लोग वापस आएंगे फिर आपको दिखाऊंगा क्या क्या सामान इसने मंगाया था और क्या क्या आया है। तो सुबह के शेड्यूल से अभी जाकर फुर्सत मिली है, थोड़ा हमको है मार्केट में काम तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली थोड़ा कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा जो नशीले सामान है वो लेके आना है, और कुछ वो क्या बोलते हैं एक दो लोअर पापा के और लेके आना है, और एक दो अपर लेके आना है पापा के लिए क्योंकि वो अपने ठंड के कपड़े शायद कम लेके आए हुए हैं, तो थोड़ा उनके लिए हम लोग लेके आएंगे। साथ में मूड है हमको एक ब्लॉगिंग कैमरा देखने का, ब्लॉगिंग कैमरा देखने का। गोप्रो से हम शूट करते हैं, एक्चुअली मम्मी और निहारिका के जो वीडियो शूट करते हैं ना वो उसमें थोड़ा हो रहा दिक्कत। उसमें क्या दिक्कत है कि मतलब हम लोग मोबाइल से उठकर कभी लाइट का इशू कभी कुछ तो सोच रहे हैं कि एक DSLR मेरे पास है DSLR फोटोग्राफी के लिए, लेकिन उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, बहुत पुराना मॉडल है। तो सोचते हैं कि DSLR एक देख लें कहीं पर आसपास कोई यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो देखिए सामने देखिए अभी से ही धूप निकली है ना, धूप निकलते ही मौसम कैसा हो गया है। अभी मतलब सुबह तक एक भी गाड़ी दिखाई दे रही थी इस रोड पे, क्योंकि मैं बालकनी देखा तो गाड़ी दिख नहीं रही थी, और अभी अभी देखो जैसे ही मौसम बिल्कुल सही हुआ एग्जैक्ट तो भीड़ से भाई भीड़ होगी या पता नहीं हम लोग को आते वक्त जाम लग जाएगा। अभी हम जा तो रहे लखनऊ की ओर, 12 किलोमीटर हम लोग को जाना है, तो 12 किलोमीटर में हम लोग को एक मॉल मिलेगा सिटी मॉल, वेव मॉल जाना पड़ेगा, वेव मॉल जाएंगे हम लोग, तो वेव मॉल से हम लोग वापस आ जाएंगे। तो निहारिका की नई फरमाइश आ गई है, क्या आ गई है बताओ जरा? गाड़ी सीखने की। निहारिका बोलिए रोज मेरे को बैठा देते हो कोडा को सीट पे और मुझे गाड़ी चलाना कब सीखोगे। एक्चुअली ना मैं इसकी इसी बात का वेट कर रहा था कि ये खुद बोले कि मेरे को गाड़ी चलाना कब सीखोगे, अब इसने बोल दिया तो अब जरूर सिखाऊंगा इसको गाड़ी चलाना। मैं सोचता कि इसको अब चॉइस ही नहीं है तो क्या करना है गाड़ी सीख के इसको, अब इसने आज पहली बार बोला है कि मतलब कि मेरे को गाड़ी चलाना कब सिखाओगे, तो इसे गाड़ी चलाना और जरूर सिखाऊंगा। चलो अच्छी है ये फरमाइश तुम्हारी, कम से कम मम्मी पापा लोग को अगर शहर में कहीं जाना हो तो लेके जाएगी खुद ही गाड़ी चला के, या फिर क्या बोलते हैं कभी हम लोग लंबी ट्रिप पर जाएंगे तो कम से कम हाईवे में थोड़ा थोड़ा चला लेगी, मुझे अकेले नहीं जाने पड़ेगी। चलो गुड, हम तुम्हें सिखाएंगे गाड़ी चलाना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल हमने वहाँ से कट किया था थोड़ा सा,
इस साइड में हमने कहा कि इस साइड में कैसा वो नज़ारे हैं इधर को देख के जाके देखे, क्योंकि हम यहाँ इस साइड को एक बार गए थे हम लोग अंधेरे में बनारस जब गए थे ना, तो सुबह सुबह अंधेरे में निकले थे क्योंकि रास्ता से बनारस जाता है किसान पतौला, तो इसी में थोड़ा हम लोग गाड़ी घुमा के इस साइड पर आ गए। लेकिन ना इसमें क्या है, बीच में नहर बह रही है तो नहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। दादा ऐसे मजाक में आकर घूमते घूमते हम दोनों पहुंच गए गोमती नगर। तो वहां पर हमने कैमरा देखा था रेंट डिजिटल में, हमको जो पसंद था वहां से सिर्फ दो कैमरे थे बस हो गया, उसके अलावा थर्ड कैमरा ही नहीं था कोई, एक निकॉन 5600D था और दूसरा था सोनी अल्फा, मतलब एक करीब 38,000 का था दूसरा था करीब, मुझे बोला था सजेशन के लिए गोप्रो, मैंने कहा गोप्रो तो पहले से पड़ा हुआ भाई गोप्रो को लेंगे। तो हम लोग मजाक मजाक पहुँच गए इधर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। You are come from Lebanon? You are come from Iran? It is called Kesar? Yes. Nehar ka Kesar hai? कहते हैं यहाँ पे है अफगानिस्तान का पूरा ड्राई फ्रूट। लोग बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहाँ से ड्राई फ्रूट आना बंद हुआ, तो लेकिन ये इंटरनेशनल फेयर में आपको सारे के सारे ड्राई फ्रूट मिल जाएंगे। देखिए ये इनका केसर भी है, बादाम भी है, सब कुछ इनके पास यहाँ पड़ा हुआ है। और लेकिन इनकी जो साउंड है वो है बिल्कुल कश्मीरी वालों की तरह, लेकिन ये लिखा हुआ है इन्होंने अफगानिस्तान। तो आप देख सकते हैं ना मेरे पीछे पीछे पूरा यहाँ अंदर, मतलब ईरान अफगानिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो सब जोर से लोग आए हुए हैं मोस्टली। तो ये लगा है गोमती नगर, बिल्कुल जो RML है ना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल उसके ठीक बगल में ये लगा हुआ है। उसके ठीक सामने आप देखिए वो ओमेक्स की बिल्डिंग है उधर पर, और उधर है आपके शालीमार, इसके ठीक सामने साइबर हाइट के ठीक सामने ये लगा हुआ है ट्रेड फेयर, आप यहाँ आके कर सकते हैं इंजॉय। तो देखिए ये हमारी चप्पल आ गई, ये निहारिका का रेड कलर की पहले से थी, मम्मी के पास भी रेड कलर की पहले से थी, हमने इनके लिए मंगाई थी, पापा और मैं दोनों मरे थे ठंड में, तो पापा के लिए भी एक जोड़ी मैंने मंगाई। अभी देखो सब लोग बैठ के यहाँ चाय पी रहे हैं, पापा के लिए ब्लैक कलर की और अपने लिए ब्लू कलर की। अब हम दोनों भी यहाँ अंदर ठंड में नहीं मरेंगे, तो दोनों चप्पल आ गई दोनों लोग की, ये मस्त कर गए। तो आप देख रहे हो ना रात का डिनर बन चुका है, देखिए ये है गोभी की सब्जी और रोटी, और रात में डिनर रहा है कैंडल लाइट डिनर। एक्चुअली क्या है कि आज लाइट कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, वैसे हम ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी में लाइट जाती नहीं है। जो निहारिका के बर्थडे मैंने बताया था ना कि हमने मिंत्रा से ऑर्डर किया हुआ, तो एक कुर्ती इसके लिए ये की थी, एक कुर्ती ये की थी, तो दो कुर्तियाँ तो ये होगी, एक इसकी स्वेटर थी ये, तो एक ये स्वेटर इसकी आ गई, एक इसका ये सूट था तो इसका सूट आ गया, बाकी इसके दो गिफ्ट अभी और बचे हुए हैं जो मतलब आएंगे धीरे धीरे। तो ये आज ये संडे के दिन ये गिफ्ट पूरे इसके आए हुए हैं। तो बर्थडे गिफ्ट कैसे लगे? अच्छे लगे। आज तो बड़े खुश हो गए तुम बर्थडे गिफ्ट देख देख के। अभी दो तीन और पेंडिंग है, मिंत्रा वाले देर में देते हैं। मुझे पता है। ठीक, एक तो नहीं एक गिफ्ट और था, वो क्या जो प्लेट दो तुम्हारी थी
हाँ जो भी है। और एक गिफ्ट और था जो तुम्हारे लिए वहाँ सैंडल लिए थे। हाँ हाँ वो तो रखी हूँ। तो बस अब दो तीन और बचे हुए हैं। ठीक, रात के बज चुके हैं 10:15। तो दिन भर तो मैं दिन में सोता नहीं हूँ, तो क्या हुआ कि अभी नींद बिल्कुल आंखों में ऐसे आने लगी है कि मेरी आदत है रात को 9:15 बजे या ज़्यादा सा 9:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ। लेकिन आज क्या है कि आज मैंने एक मतलब थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा कि थोड़ा एक लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग बना के देखता हूँ, क्या पता व्यूअर्स को पसंद आए। तो ये मतलब एक कोशिश थी मेरी कि मैं तो कुछ ऐसे भी कंटेंट अगर डालूँ तो क्या पता लोग उसको भी पसंद करें। तो ये कोशिश थी आज दिन भर की, जो दिनचर्या थी मेरे संडे की, तो मैंने आपको सब कुछ दिखाया जो हमने सुबह से एक्टिविटी की हुई है, तो एक कोशिश थी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी कोशिश कामयाब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।